जब आप किसी प्लेन में या ट्रेन में या बस में या फिर कार में ही ट्रैवल करते होंगे और ड्राइविंग सीट पर नहीं होते होंगे, तो बड़े भरोसे के साथ बैठते होंगे ना कि जो ड्राइविंग सीट पर है आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है। कभी लोग कहते हैं किस्मत से, लेकिन कभी कभी ड्राइवर की एक गलती कई जान ले लेती है और इसका एहसास आपको तब तक कभी नहीं होता जब तक कुछ गलत ना हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि आज ये स्पीच क्यों, खबर का क्या पॉइंट है? पॉइंट है, आंध्र प्रदेश में पिछले साल 29 अक्टूबर को एक रेल हादसा हुआ था। 29 अक्टूबर 2023 की शाम 7 बजे आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के कंटा कपल्ली में हावड़ा चेन्नई मार्ग पर रायगढ़ यात्री रेलगाड़ी ने विशाखापट्टनम पलासा ट्रेन को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा यात्री उस वक्त घायल हुए थे। लेकिन अब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि रेल का ड्राइवर, लोको पायलट और असिस्टेंट ड्राइवर फोन पर क्रिकेट का मैच देख रहे थे। हजारों की जान बस क्रिकेट देखने के लिए दांव पर लगा दी गई। रेलवे सुरक्षा आयुक्तों CRS की जांच रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि घटना के एक दिन बाद प्रारंभिक रेलवे जांच के हवाले से कहा गया था कि ट्रेन हादसे के लिए रायगढ़ यात्री, गाड़ी के लोको पायलट और सहायक लोको पायलट, उन्होंने खराब स्वचालित सिग्नल प्रणाली के लिए तय नियमों का उल्लंघन किया। इस हादसे में चालक दल के दोनों सदस्यों की भी मौत हो गई थी। हालांकि अब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हम ऐसी प्रणाली स्थापित कर रहे हैं जो ऐसी किसी भी विक्षण का पता लगा सकती है और ये सुनिश्चित कर सकती है कि पायलट और सहायक पायलट पूरी तरह से ट्रेन चलाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हो सकता है कि अब ऐसा हो कि अब इस तरह के हादसे ट्रेन में ना हो, लेकिन कोई भी जो ड्राइवर सीट पर है उसे सतर्क रहना जरूरी है। तो हो सके तो अपने लिए नहीं तो किसी और के लिए पटरी, सड़क, हवा, पानी, जहां भी चलो थोड़ा जिम्मेदारी से चलो। है फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। देखते रहिए ABP Live।